कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा आज रायपुर पहुंचे। रायपुर के मानव विमानतल में वोरा का स्वागत कांग्रेस नेताओं ने ऐतिहासिक अंदाज में किया। वैसे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो प्रायः एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता ही उनके स्वागत में जाते हैं और एयरपोर्ट से सीधे वोरा अपने गृहग्राम दुर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब जब चुनाव पास आता है मोतीलाल वोरा का स्वागत करने एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं समेत कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगता है। छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले वोरा का आगमन नेताओं के लिए खास रहा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने वोरा के स्वागत के बहाने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। नेता अब अपनी पार्टी का गुणगान करने लगे हैं, नेता अब जनता से मिलते नजर आने लगे हैं, अपने विरोधी दलों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कार्यकर्ता अब अपने नेताओं को खुश करने में लगे हैं और नेता पार्टी आला कमान की नजरों में अपनी जगह बनाने जुट गए हैं। ये सब देखकर लगता है कि चुनाव नजदीक है और नेता अपने टिकट की जुगत में लग गए हैं। ऐसा ही एक वाक्या आज माना विमानतल में देखने को मिला, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा दिल्ली से रायपुर पहुंचे। वोरा का स्वागत करने एयरपोर्ट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ अलग अलग टोली में मौजूद थे। सभी अपने अपने नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। स्वागत करने वालों की भीड़ इतनी थी कि आखिरकार सुरक्षा कर्मियों को मजबूरन कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ा। एयरपोर्ट के बाद जैसे ही मोतीलाल वोरा का काफिला शहर के लिए निकला, युवा कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर दिखने लगा। बाइक और कार की लंबी कतारों से शहर की सड़कें कुछ समय के लिए जाम सी हो गई। राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों में कांग्रेस नेताओं ने मोतीलाल वोरा का स्वागत किया। स्वागत करने वाले इन नेताओं में खासतौर पर कांग्रेस के युवा नेता थे जो आगामी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। वरिष्ठ नेताओं को स्वागत के माध्यम से खुश करने वालों में कांग्रेस के युवा नेता पंकज शर्मा, विकास उपाध्याय, सुबोध हरितवाल, कन्हैया अग्रवाल, आनंद कुकरेजा समेत कई नेता शामिल थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा से जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के संबंध में सवाल पूछा गया कि क्या भूपेश बघेल अभी भी अध्यक्ष रहेंगे या उन्हें बदला जाएगा, इस विषय पर वोरा ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। अगला चुनाव कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी, इस सवाल पर वोरा ने कहा कि अभी चुनाव को एक साल बचा है और कुछ भी हो सकता है। अमित शाह के बेटे के विषय पर भी वोरा ने बातचीत की। सुनिए क्या कहा मोतीलाल वोरा ने। संगठन का चुनाव भी चल रहा है और उम्मीद है कि 31 अक्टूबर तक ये संपन्न हो जाएगा और उसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए माननीय श्री राहुल गांधी जी का समर्थन सभी प्रदेशों ने कर दिया है और जो कार्यक्रम है वो पूरा कार्यक्रम जो इलेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास भेज दिया है। अब कौन सी तारीख चुनाव की होगी यह अभी तो नहीं कहा जा सकता। जो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज वो अगर अपनी नज़र घुमा के देखे आज वो बात गलत सिद्ध हुई है। अब तो कहते खाऊंगा, न कमाऊंगा बल्कि खाऊंगा, बिना कमाए खाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि आज सारे देश में जो जबरदस्त असंतोष है, आज लोग वो बात याद करते हैं कि साल में 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे। कितना रोज़गार दिया,
कुछ कहानी जैसा कुछ लाख लोगों को शायद रोजगार मिला हो। ये GST आने के बाद में तो लोगों की इतनी परेशानी, आपकी बढ़ गई, हमारी बढ़ गई, सबकी बढ़ चुकी है। किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई हर प्रदेशों में, मामूली घोषणा कर दी, लेकिन उन किसानों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सरकार तो जुमले वाली सरकार है, जुमले बोलती है, घोषणाएं करती है, घोषणाएं ठीक, जब चुनाव सिर्फ भी बाकी है। गुजरात का चुनाव अभी हो रहा है, हिमाचल का चुनाव अभी होने वाला है, तो उस वक्त हजारों करोड़ की घोषणाएं करना उनका, और चुनाव आयोग ने भी जानबूझकर हिमाचल के चुनाव की तारीख तो घोषित कर दी, लेकिन गुजरात के चुनाव की तारीख इसलिए घोषित की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात जाना था। और भाजपा सरकार के नियंत्रण में है क्या? चुनाव आयोग भी भाजपा सरकार के नियंत्रण में है? मैं नहीं कहता, जो घटना हमारे सामने में आ रही है, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है। सवाल इस बात का है कि देश की जनता इस बात को देख रही है, मेरी बात सुन रही है। चुनाव आयोग ने हिमाचल का चुनाव तो घोषित कर दिया, 9 तारीख को वोटिंग होगी और 18 को परिणाम होगी, लेकिन गुजरात का नहीं घोषित किया। तो कहने का मतलब है कि इस बात की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। आसार तो अभी कांग्रेस के सरकार के मानने के, क्योंकि आज वहाँ के उद्योगपति नाराज, वहाँ के व्यापारी नाराज और सारे लोग नाराज GST को लेके। हो सकता है कि चुनाव के पहले और GST में कोई परिवर्तन और कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें उम्मीद है कि गुजरात में हम आप जीतने का दावा नहीं कर सकते। हम जीतने के लिए तो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब दावे से जीत सकते हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस? ऐसा है कि एक बात मतलब चुनाव अमर जब लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है वहाँ, और जो गुजरात में माननीय राहुल गांधी जी के लगातार दौरे हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी बौखला गई है। छत्तीसगढ़ अभी चुनाव 1 साल बाकी है, अभी कांग्रेस के पार्टी के चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद में बाकी सारी बातें तय होगी, अभी तो 1 साल बाकी है। तो राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जाएंगे? हाँ जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे राहुल गांधी जी हाँ, उसमें कोई शंका नहीं है। बघेल ही रहेंगे क्या? हैं? तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे? भूपेश बघेल ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे क्या? भाई आज तो भूपेश बघेल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 2018 उन्हीं के नेतृत्व में। अरे भविष्य की बात तो इसलिए। फिलहाल वोरा के आने से एक बार फिर कांग्रेस में नई ऊर्जा दिखाई दी, तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोतीलाल वोरा के इस ऐतिहासिक स्वागत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी की नई टीम में छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर्स को भी जगह मिल सकती है। For more information, log on to www.clips.in.